3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन इन न्यूज़। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। घबराहट होने के बाद मंत्री देवनानी को कराया गया अस्पताल में भर्ती। कार्डियोलॉजी यूनिट में कराया गया है देवनानी को भर्ती, डॉक्टर ने बताई स्थिर हालत। म्यांमार का रहने वाले वली मोहम्मद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत के निवासी होने के फर्जी प्रमाण पत्र भी बनवा लिए, पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका एक रोहिंग्या मुसलमान। टेम्पो और स्कॉडा में हुई टक्कर, दुर्घटना में घायल हुआ युवक, दुर्घटना के बाद कराया अस्पताल में भर्ती। भाजपा और कांग्रेस पार्षदों में हुई झगड़े के बाद नेता प्रतिपक्ष मेवाड़ा को कराया गया अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस पार्षदों ने पुलिस अधिकारी से मिलकर की आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग, चेयरमैन के खिलाफ लगाए नारे। तोपदड़ा क्षेत्र में हुआ नई पेवर सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ, मंत्री भदेल और पूर्व सभापति शेखावत ने किया शुभारंभ। 44 लाख रुपए की लागत से हो रहे हैं कई विकास कार्य। बस स्टैंड पर बनाया गया पहला फीडिंग सेंटर, महावीर इंटरनेशनल की ओर से तैयार कराया गया है सेंटर, मंत्री अनीता भदेल ने किया शुभारंभ। सैयद अहमद ने जीता 12.5 लाख रुपए, कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट तक पहुंची, महिला कांग्रेस ने किया सम्मान। गीत संगीत प्रतियोगिता में लिया युवाओं ने भाग, तानसेन संगीत विद्यालय की ओर से कराई गई प्रतियोगिता, एक से बढ़कर एक गीतों की दी गई प्रस्तुति। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें horizonhind.com। सच के साथ।